इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी के खतरे के बीच भारत में बर्ड फ्लू की दहशत तेजी से पांव पसार रही है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू मामलों की पुष्टि हुई है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में जंगली पक्षियों कौवे मुर्गियों इन सब की मौत की कारणों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी विभाग ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों को चिन्हित किया, उन इलाकों की निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी है जिन राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात शामिल हैं। वहीं दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मरने वाले पक्षियों के नमूनों की जांच लगातार चल रही है, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही वहां पर बर्ड फ्लू होने की या फिर ना होने संबंधी कोई पुष्टि आगे हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जहां पर पुष्टि हो चुकी है वहां पर एहतियातन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और जहां पक्षियों की मौत हो रही है और जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं वहां भी लोगों से कहा गया है कि फिलहाल कुछ दिन नॉनवेज से परहेज करें, अंडा नहीं खाएं या फिर अधपका अंडा या फिर मांस मछली आपके लिए फिलहाल नुकसानदायक हो सकता है। ये सभी दिशा निर्देश लोगों को दिए गए हैं। ऐसे में बर्ड फ्लू पर भोपाल से हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बर्ड फ्लू का कहर मध्य प्रदेश में लगभग 27 जिलों में बर्ड फ्लू की आहट हो चुकी है, और मध्य प्रदेश के राज्यों की बात जिलों की बात करें तो लगभग 9 जिले बर्ड फ्लू उनमें पुष्टि हो चुकी है। और जो धंधे की बात है, चाहे अंडे की बात हो या फिर चिकन की बात हो, तो धंधे बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। इस वक्त हम अंडे वाले की दुकान पर हैं जो थोक सेल करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई साहब बर्ड फ्लू की आहट हुई है जब से साधक भाई, किस तरह का माहौल है, कितनी कमी आ गई है धंधे में? 70% कमी आ गई है अंडे के धंधे में जी, 70% कम हो गया है। 300 रुपये अंडा बिक जाता था, 50 रुपये अंडा बिकना मुश्किल हो रहा है। दामों में भी कमी आ गई? जी हाँ, दामों में कम आ गई, लोग डरे हुए थोड़ा सा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, सरकार कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद लोग डरे हुए थोड़ा सा बर्ड फ्लू के उससे। लेकिन आप लोग हालांकि भोपाल में राहत की बात यह है कि बर्ड फ्लू का एक भी केस नहीं आया है, आप लोग चिकन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कितनी कमी आई? हाँ, चिकन में लोग थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन भोपाल में चिकन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कहीं पर ही कोई किसी की कोई दिक्कत नहीं है, और लोग चिकन खा रहे हैं ऐसा नहीं है, होटलों में भी खा रहे हैं और घर में भी लेके जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा डर गए हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि भोपाल में, लेकिन भोपाल में मध्य प्रदेश की सरकार ने काफ़ी कंट्रोल करके रखा है, और सरकार का धन्यवाद देते हैं हम कि उन्होंने इसको बिल्कुल सहयोग करा है कि बिल्कुल। चिकन में कितने, 30 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलो तक की कमी? नहीं 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 नहीं, 10 रुपये किलो कम हुआ है चिकन, पहले 90 रुपये बिक रहा था जिंदा, अब 80 रुपये किलो हुआ है, और लोगों ने अफवाहें उड़ा दी हैं कि अब चिकन बहुत रेट कम हो गया, लेकिन चिकन का रेट इतना कम नहीं हुआ है, और बाहर से जो चिकन आ रहा था वो नहीं आ रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश भोपाल में जो है चिकन की पैदावार जितनी है वो इतनी कवर हो रही है बस भोपाल। अलग अलग जगह एहतियात बरता जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू फैले नहीं, इंसानों के लिए किसी भी तरह की खतरनाक स्थिति बढ़ने ना पाए। ऐसे में कानपुर में बर्ड फ्लू को लेकर तैयारी क्या कुछ की गई है बता रहे हैं संवाददाता शिवराज साहब। और इसका क्या असर देखने को मिल रहा है, आज हम लोग पहुंचे हैं चिकन मार्केट में और यहां पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि असल में जो ये मार्केट है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है बर्ड फ्लू का। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि इस समय जो हालात हैं आप देख सकते हैं दुकानों में किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जो भय है बर्ड फ्लू का वो लोगों के अंदर साफ दिखता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं और कुछ कस्टमर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कितना असर पड़ा है बर्ड फ्लू का, और इस समय जो हालात हैं वो किस प्रकार के हैं, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं बर्ड फ्लू को देखते हुए। तो दुकानदार है हमारे साथ, सर एक मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना मुर्गियाल। मुन्ना जी बताइए, बर्ड फ्लू आने के बाद मार्केट के क्या हालात हैं? मार्केट हालात ठीक है, बढ़िया, सब बिक रहा है, मुर्गे बिक रहे हैं पहले की अपेक्षा। आप अगर रेट की बात की जाए तो कितना फर्क देखने को मिल रहा है? थोड़ा बहुत तो फर्क आया ही है। कस्टमरों की संख्या में क्या बढ़ोतरी हुई है या घटे हैं? कस्टमर की तो थोड़ा सा कम हुए हैं, वैसे बिक रहा है माल खूब। रेट क्या है इस समय मुर्गा का जो पहले से? अपने रेट 180 रुपये किलो है, पहले कितना था? पहले 160 था, अब 180 हो गया, कहीं ना कहीं महंगाई आई है। अच्छा, क्या एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? बर्ड फ्लू बीमारी चल रही है, बर्ड फ्लू बीमारी हम लोग जो है साफ सुथरा रख रहे हैं, सफाई रख रहे हैं और हर चीज़ की देख रेख रख रहे हैं। और कुछ हमारे साथ कस्टमर भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि जो यहाँ पर चिकन लेने आए हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनके अंदर बर्ड फ्लू को लेकर दिमाग में चल रहा है, किस प्रकार की चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। कुछ लोग हैं उनसे आइए बात करते हैं। सर क्या चिकन लेने आए हैं मार्केट में?
जी ये बताइए, बर्ड फ्लू बीमारी चल रही है, कितना डर महसूस कर रहे हैं उस चीज से आप लोग? कोई डर नहीं है, खा डर नहीं, चिकन ले रहे हैं। हाँ अच्छा, पहले से महंगा हो गया चिकन या सस्ता है? सस्ता है, वह रेट तो वही है। खैर अभी तो क्या डर नहीं लग रहा बर्ड फ्लू का? नहीं भाई कोई डर नहीं, जब इससे पहले बर्ड फ्लू हुआ था सब गवर्नमेंट किया, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के इसमें क्या दोष है? बर्ड फ्लू बीमारी है, पक्षी मर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। आप लोग कहीं से डर? बिल्कुल कोई डर नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कस्टमरों से बात की है, दुकानदारों से बात की गई, तो लोगों के अंदर अभी बर्ड फ्लू जो बीमारी है, एक डर तो है, संशय है, लेकिन अभी भी मार्केट पे इसका खासा असर देखने को नहीं मिला। हाँ रेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा कुछ रेट में जरूर बढ़ोतरी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज कानपुर। कानपुर से रिपोर्ट आपने देखी, एहतियात बरतने के निर्देश हैं, लेकिन फिर भी लोग बढ़ चढ़कर नॉनवेज खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में भोपाल का रुख हम करेंगे। सरस्वती चंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। सरस्वती, हालांकि भोपाल में अभी बर्ड फ्लू फैला नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ऐसे में एहतियातन सरकार की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश हैं? भोपाल में इंतजाम किस तरीके के? देखिए बिल्कुल, केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक मध्य प्रदेश में सारे कलेक्टरों को बता दिया गया है कि जहां जहां भी बर्ड फ्लू का कहर है वहां पर आप इंतजाम रखें, और जहां भी पक्षी की मौत होती है तो वहां 1 किलोमीटर का जो एरिया है वहां सारी दुकानों को, चिकन की दुकानों को बंद कर दें, और 10 किलोमीटर का एरिया सर्वेलेंस में रखा जाएगा। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहां पर अभी आपको बता दें कि 27 जिले जो हैं, 52 जिलों में से 27 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। हालांकि अभी जो लैब की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि जो भोपाल में लैब है जो कि जिसमें कि पशु रोग जो केंद्रीय संस्थान है, उसकी रिपोर्ट ये बोल रही है कि 9 जिलों में फिलहाल, जो कल की रिपोर्ट है वो ये है कि 9 जिलों में जो बर्ड फ्लू है उसके जो इन्फेक्शन है वो फैल चुका है 9 जिले में। लेकिन आपको लेटेस्ट अपडेट ये बता दें कि अभी चार जिलों में और जो केसेस मिले हैं उसको लेकर अब 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। तो संक्रमण लगातार फैल रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में एक राहत की बात है कि यहां पर उतना अभी तक एक भी बर्ड फ्लू का केस नहीं आया है। हालांकि लगातार सर्विलेंस रखा गया है, क्योंकि यहां पर वन विहार है, नेशनल पार्क है, और जो प्रवासी पक्षी है वो यहां पर आते हैं। लगातार वन विभाग और जो एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन विभाग है वो नजर रख रहा है। हाँ। लेकिन फिलहाल अभी तक एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन पूरे जिलों की बात करें तो ज्यादातर जिले, 27 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं, 13 हाँ। जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, और 1100 से ज्यादा कौए जो है। जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि बर्ड फ्लू बाकी जिलों तक किसी तरीके से फैल ना जाए। राज्य सरकार तो लगातार अलर्ट कर रही है लोगों को, लेकिन इसमें सहयोग आम लोगों का भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। सरस्वती चंद्र, इस अपडेट को तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।